पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह द्वारा कोरोना संक्रमण पर विजय प्राप्त करने वाले पुलिस कर्मियों की गोष्ठी तथा प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। आज दिनांक 18 जून 2021 को डॉक्टर राकेश सिंह पुलिस महानिरीक्षक देवी पाटन परिक्षेत्र गोंडा जनपद द्वारा श्रावस्ती का दौरा किया गया। महानिरीक्षक के आगमन पर पुलिस लाइन भिनगा में सम्मान गार्ड द्वारा सलामी दी गई। महोदय द्वारा पुलिस लाइन सभागार कक्ष में कोविड 19 पर विजय प्राप्त करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की गोष्ठी की गई। गोष्ठी में सर्वप्रथम कोविड 19 महामारी के दौरान दिवंगत हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महोदय द्वारा गोष्ठी का संबोधन करते हुए कर्मचारियों को कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा एवं बचाव व प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के संबंध में विस्तार से बताया गया। महोदय द्वारा कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त करने अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन में लगे कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। साथ ही भी ये बताया कि आप सभी लोग जब भी क्षेत्र में जाएं तो मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर का प्रयोग करें तथा सामाजिक दूरी का अवश्य पालन करें तथा क्षेत्र में लोगों को कोविड 19 के नियमों का पालन करने व कोरोना से बचाव हेतु वैक्सीन अवश्य लगवाएं। जिलाधिकारी टीके शिव व पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य द्वारा गोष्ठी को संबोधित करते हुए कोविड 19 विजय प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया गया तथा अपने कार्यों को अच्छी तरीके से निर्वहन करने व स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए बताया गया। गोष्ठी के दौरान संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा से उपस्थित डॉक्टर विनय वर्मा द्वारा कर्मचारियों को संबोधित करते हुए बताया कि वर्तमान समय में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इसलिए आप सभी लोग स्वास्थ्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें और पौष्टिक आहार का सेवन करें तथा स्वास्थ्य से संबंधित सभी भी समस्याओं को तत्काल चिकित्सक से परामर्श लें। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर हौसला प्रसाद, प्रतिसार निरीक्षक विनोद कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण मौजूद रहे। सभी ठीक होकर के हमारे बीच फिर आ गए हैं और फिर स्टडी से कार्य कर रहे हैं, तो इनको जो है हमें सम्मानित इसलिए किया कि इन्होंने अच्छा काम किया था और आगे आने में किसी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। साथ में इन्होंने सबको वैक्सीन लगी हुई थी। वैक्सीन लगाने के ये नमूना भी है, उदाहरण भी है कि सभी साथियों को लगी थी और सभी स्वस्थ हैं। आगे जो लोग भी ये लोग जाएंगे और गाँव में सबको बताएंगे वैक्सीन लगाने के क्या फ़ायदे हैं और अभी जब तक वैक्सीन पूरी नहीं हो जाती तब तक ये लोग जो है सबको मास्क लगाने, सैनिटाइजर का ये बताएं खुद और प्रेरित करेंगे, जिससे कि ये खुद ही पीड़ित रहे हैं इसलिए इनकी बातों पर ज़्यादा असर पड़ेगा, इसलिए इनको ये दायित्व दिया गया आज।